हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ हम तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर अपने स्टार्ट करने वाले हैं जो कि स्टार्टअप मैथमेटिक्स है वीवा एजुकेशन की क्लास 7 के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट चैप्टर करेंगे एक्सरसाइज 1.12, एक्सरसाइज 1.5। तो वीडियो को एंड तक देखिए, इस एक वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर सभी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस पहले अपने पढ़ेंगे बेसिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो देखिए सबसे पहले अगर अपने बात करें नंबर्स की, तो सबसे पहले आपके पास जो नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर अपने बात करें होल नंबर्स की, तो अगर इन नेचुरल नंबर्स में एक मैं जीरो एडअप कर दूं तो ये आपके क्या हो जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं। अगेन द होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स, मतलब इन होल नंबर्स में अगर अपने ये नेगेटिव नंबर जो है एडअप कर दें तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और ये इंटीजर ही जो है आपका कंप्लीट है चैप्टर 1। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इंटीजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम जीरो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नंबर लाइन की, ठीक है, इस नंबर लाइन के ऊपर मान लीजिए जीरो है, इस तरफ आपके आते हैं नेगेटिव टर्म्स, इस तरफ आपकी आती है पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हो गया -1, ये -2, -3 एंड -4। तो अब यहां पर बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो अगर मैं पूछूं यहां से 0 से -2 तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो इसकी हमेशा क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। लेकिन अगर पूछे ये वैल्यू कितनी है, ये -2 है, तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी हमेशा किस में आती है? पॉजिटिव में आती है। तो यहां पर देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर देखें तो -2 का बात कुछ ऐसे शो करते हैं और इसकी जो वैल्यू करने पर आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होती है आपके पास? पॉजिटिव में होती है। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो जब आप इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर देन ए प्लस बी अगेन एन इंटीजर। मतलब क्या बोल रहा है? मान लीजिए ए, मान ने माना क्या, ए के लिए ए है मेरे पास 3 और बी है मेरे पास 4, इनको मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 7, इट इज़ एन इंटीजर। ठीक है, अगेन इसको कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, -3 + 4 तो आपके पास आ रहा है 1, इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो इट फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी। बात करें कम्यूटेटिव की, फॉर टू इंटीजर ए प्लस बी, देखिए इसी की अगर एग्जाम्पल की बात करें बी के लिए, अगर मैं 3 + 4 करता हूँ तो भी आपके पास 7 आता है, और 4 + 3 करता हूँ तो भी आपके पास 7 आ रहा है, -3 + 4 कर रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है, और 4 - 3 कर रहा हूँ तो भी आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सो इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपका बिलोंग करता है टू द सीरीज, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। ठीक है, बात करें 3 + 4 + 5 की, ठीक है, ये आपके पास देखिए 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 + 5 हो जाएगा आपके पास 12। अगेन अगर इसको अपने ऐसे लिखें 3 + 4 + 5, तो 4 + 5 होता है आपके पास 9, तो 3 + 9 अगेन आपके पास क्या हो गया? 12 हो गया। तो इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, सिंस ए प्लस जीरो ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस जीरो फॉर एवरी इंटीजर इज ए। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होती है आपके पास जीरो। ठीक है, मतलब किसी भी इंटीजर में मैं एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करता हूँ तो वो नंबर सेल्फ आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन बात करें एडिटिव इनवर्स की,
एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, मतलब उसका जो नेगेटिव फॉर्म है या इसका अल्टरनेट नंबर है, जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पर ए की, ए का आपके पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ए, और इनका एडिशन करने पर हमेशा हमारे पास क्या आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें माइनस ए, तो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस का ए, ठीक है, और इसको ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, जीरो, विच इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। सो हेयर माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर अगर अपने बात करें सब्ट्रैक्शन के लिए, ये अपने बात कर रहे थे एडिशन के लिए, वहीं अगर अपने बात करें सब्ट्रैक्शन के लिए, इफ़ ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स वी डिफाइन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन, इफ़ ए इज इक्वल टू बी प्लस एन ऑल्सो बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये शो करना है। बात करते हैं क्लोजर के लिए, देखिए क्लोजर के लिए मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ए है थ्री, बी है आपके पास फोर, ठीक है, तो ए माइनस बी करना है आपको, तो थ्री माइनस फोर हो गया आपके पास माइनस वन, ठीक है। अब ये अपने कैसे करते हैं, देखिए जब भी प्लस और माइनस की टर्म अपने एक सिंबल प्लस का हो एक माइनस का हो, तब हम क्या करते हैं, इनका फाइंड करते हैं डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखिए तो इनका डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस किसका फाइंड करेंगे, डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। आपको थ्री और फोर की एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है, तो फोर माइनस थ्री होता है वन, और सिंबल किसका लगेगा, सिंबल उसका लगेगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर माइनस फोर है, एब्सोल्यूट वैल्यू फोर की ज्यादा है, तो यहां पर मैंने फॉर्मूला जो वैल्यू है वो माइनस वन की लिख दी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने देख लिया, थ्री माइनस फोर किया, और फोर माइनस फोर प्लस थ्री करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, माइनस वन आएगा, सो इट इज़ क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर नॉट ट्रू फॉर द सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर्स, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आप अपने करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन, फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी वी डिफाइन, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मैं दो नेगेटिव टर्म्स को, मान लीजिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है प्लस का, माइनस इंटू प्लस करता हूँ तो आता है माइनस, प्लस इंटू प्लस करता हूँ तो आपके पास आता है प्लस, जो कि आप बचपन से सभी क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं, और प्लस इंटू माइनस करने पर आपके पास आता है माइनस। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, यही यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज में समझा रहा है, क्या माइनस ए इंटू माइनस बी करने पर प्लस ए बी आ गया, मतलब माइनस इंटू माइनस हो गया आपके पास प्लस, उसके बाद देखिए माइनस इंटू प्लस करने पर ये आपके पास आंसर आ रहा है माइनस ए बी, उसके बाद देखिए ए प्लस का माइनस का बी आपके पास आंसर क्या आ रहा है माइनस ए बी, ठीक है। अब अपने बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की फॉर मल्टीप्लीकेशन, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर देन ए इंटू बी अगेन इज एन इंटीजर, ठीक है, मान लीजिए ए है आपके पास थ्री, बी है आपके पास माइनस फोर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए इंटू बी की, सो थ्री इंटू माइनस फोर ये हो गया माइनस ट्वेल्व, ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो ए इंटीजर, ये भी क्या है आपके पास इंटीजर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। बात करते हैं कम्यूटेटिव की, फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए इंटू बी करते हैं, ए इंटू बी आ रहा है आपके पास थ्री इंटू माइनस फोर विच इज माइनस ट्वेल्व, और बी इंटू ए करने पर माइनस फोर इंटू थ्री, तो ये देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस ट्वेल्व, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इट मीन्स ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एसोसिएटिव, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए बी एंड सी वी हैव ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो देखते हैं अपने माइनस थ्री इंटू फोर इंटू माइनस फाइव, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई थ्री इंटू फोर होता है आपके पास ट्वेल्व,
इंटू माइनस फाइव ये हो गया आपके पास माइनस सिक्सटी। अगर बात करते हैं थ्री इंटू फोर इंटू माइनस फाइव, फोर इंटू माइनस फाइव हो गया माइनस का ट्वेंटी, तो थ्री इंटू माइनस ट्वेंटी ये हो गया आपके पास अगेन माइनस सिक्सटी। तो ये क्या है आपका इक्वल है, सो इट्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो यहाँ पर अगेन अपने बात करें थ्री इंटू फोर प्लस फाइव, तो ये अपने करते हैं देखिए फोर प्लस फाइव होता है नाइन, थ्री इंटू नाइन हो गया आपके पास 27। तो अगर अपने बात करें और डिस्ट्रीब्यूटिव तो थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फाइव, थ्री इंटू फोर होता है ट्वेल्व, थ्री इंटू फाइव होता है फिफ्टीन, ऐड करने पर आपके पास क्या आ गया 27। सो इट्स ऑल्सो फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए जैसा कि हमने एडिशन में पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, इसके अंदर होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वन, ठीक है, किसी नंबर्स को इंटीजर्स को जब हम वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इंटीजर खुद ही आ जाता है, सेल्फ आ जाता है, सो वन इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन उसी अगर बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है देखिए, वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मतलब बात करें ए, तो ए की जो मल्टीप्लिकेटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए, तो आपके पास क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर बात करें कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए थ्री है तो थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा वन बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल और वन आपके पास क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। और वही अगर मैं बात करें वन बाई थ्री की, तो वन बाई थ्री की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपके पास थ्री हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं देखिए डिवीजन की। इफ ए एंड बी वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, आर एनी इंटीजर देन ए इज डिविजिबल बाय बी, इट इज ए डिवाइड बाय बी इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर्स सी सच दैट ए इज इक्वल टू बी सी। फॉर एनी इंटीजर ए जीरो इज डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स को देखिए जीरो में अगर अपने किसी भी इंटीजर का थ्री हो चाहे माइनस थ्री हो चाहे जो भी हो माइनस फोर हो माइनस फाइव हो या फिर फाइव हो, डिवाइड करने पर आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा। लेकिन किसी भी इंटीजर ए में अगर अपने जीरो का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है नॉट डिफाइंड, उसे अपने डिफाइन नहीं कर सकते। तो द प्रॉपर्टीज इट इज क्लोजर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव आर नॉट ट्रू फॉर द डिवीजन इन इंटीजर्स, ठीक है, तो डिवीजन में जो इंटीजर्स के लिए फॉलो नहीं करती हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड यूज ऑफ ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है बोर्ड मास का, ठीक है। अब बोर्ड मास के अंदर द बी अकॉर्ड बी क्या होता है ब्रैकेट्स, ओ क्या होता है ऑफ, डी होता है डिवीजन, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, ए होता है एडिशन और एस होता है सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना है देखिए कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए ये आपको इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन के अंदर हमेशा हमको ध्यान रखना है सबसे पहले कि वो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो हमें ये जो इनका जो सीरियल नंबर है ये भी ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। अगर हमने मान लीजिए डिवीजन बाद में किया, एडिशन पहले कर दिया और डिवीजन बाद में किया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक इक्वेशन आपको गिवन है, यहां पर जैसे कि देखिए 24 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय टू, अब ये देखिए ब्रैकेट में है, ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 24 डिवाइड बाय 6 होता है आपके पास 4 इंटू टू जो कि हो गया आपके पास 8 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन यही अगर अपने ऐसा कर देते 24 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय टू, तो मैं मल्टीप्लाई पहले कर देता, मतलब 6 इंटू टू हो गया 12, 24 डिवाइड बाय 12 आपके पास आंसर क्या आ गया 2 हो गया, जो कि क्या है गलत है ना। तो हमें इस सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़े, इसलिए हमें हमेशा अपने माइंड में कैप्ट रखना है बोर्ड मास का, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट्स,
ब्रैकेट्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर उसके ऊपर बार गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, विनिकुलम। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट होते हैं जिससे आप इसको शो करते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट, जो आपकी एक्सरसाइज जो है, इंटीजर जो है, जितनी भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 to 1.5, इनके अंदर जितना भी बेसिक्स यूज होने वाला था, कंप्लीट बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। अब जो है अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो बेसिक्स है वो समझ में आ चुका है। अब अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, इनका सम आपको फाइंड करना है। तो एक ही अगर अपने बात करें, 8 + 21, सम का मतलब एडिशन। तो 8 में 21 ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 29। बी की बात करें, 25 + -30, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस होता है आपके पास माइनस, सो 25 - 13। तो माइनस करने पर अल्टीमेटली आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने पर आपके पास आंसर आ गया 12। बात करते हैं सी पॉइंट की, तो -16 + -8। तो अगेन माइनस प्लस माइनस होता है, तो -16 - 8। अब देखिए जब भी दोनों सिंबल एक जैसे हो तो हम क्या कर देते हैं, एडिशन करते हैं। 16 + 8 = 24, और सिंबल लगता है उसी का, देखिए माइनस तो माइनस का सिंबल लग जाते हैं। तो यहाँ पर -24 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो आंसर हैं 29, 12 एंड -24। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, वैल्यूड द फॉलोइंग आइदर बाय डायरेक्ट मेथड और बाय यूजिंग द नंबर लाइन। तो सिंपली आपको डायरेक्ट मेथड करके अगर अपने करें तो देखिए 3 + -2, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करें बी की, तो -3 + 4 + -7, तो माइनस इंटू प्लस होता है आपके पास माइनस, सो -3 + 4 - -7। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस वाली जो टर्म्स हैं ऐड कर लेंगे। तो -3 और -7 ये हो गया -10 + 4। अब ये मैंने आपको बताया था जब भी आपने बेसिक्स पढ़ा था कि क्या होता है जब भी सिंबल डिफरेंट होते हैं तो हम इसका क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं डिफरेंस। तो 10 - 6 = 4 होता है आपके पास 6, और सिंबल किसका लगता है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 10 की ज़्यादा है तो यहाँ पर आपके पास माइनस का सिंबल लग जाएगा। बात करते हैं सी की, तो 8 - -2 एंड -3, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो 8 + 2 - 3, तो 8 + 2 होता है आपके पास 10 एंड 10 - 3 = 7 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। आपको साइन से बताना है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आपको बताऊं कि देखिए जैसे जैसे अपने टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हीट बढ़ती जाती है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे बर्फ होती है, आइस होती है ना, इसका जो टेम्परेचर होता है इज लेस देन 0 डिग्री, मतलब 0 से कम होता है। मान लीजिए कुछ भी होता है माइनस में होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। और वैसे अगर अपने डेली टेम्परेचर देखें, जैसे आपने देखा वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाते, इट मीन्स ये प्लस में है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर हाई है। तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए अपने इसको सोल्व कर देते हैं। बात करें ए की, टेम्परेचर ऑफ ले इज 13 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री, मतलब 0 से नीचे। अगर अपने बात करें लाइन चार्ट पे तो ये देखिए एक 0 है, तो इसके बिलो है, मतलब इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ए के लिए आंसर आ जाएगा -13 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें बी की, ए वेल इज 130 मीटर डीप, मतलब मान लीजिए जमीन है, जमीन से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको अपने मान लेते हैं 0 लेवल, इससे ऊपर वाले प्लस में, इसके नीचे वाले माइनस में, सो -130 मीटर डीप। बात करें सी की, द हाइट ऑफ अ टीवी टावर इज 90 मीटर, मतलब ये जो आपका ग्राउंड लेवल है यहाँ से 90 मीटर है, तो ये प्लस का 90 मीटर हो जाएगा। और बात करें डी की, द गेन हो रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्लस हो रहा है, सो प्लस ₹50,000। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की,
तो यहाँ पर आपको ये पूरी कंप्लीट टेबल है, इसे सोल्व करना है। अब यहाँ पर इस सिंबल का मतलब है आपको एडिशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने सोल्व करते जाते हैं, -6 + 1, -6 + 1, यहाँ पर आ गया आपके पास -5, अगेन -6 + 3, -6 - 1, एंड -6 + -5, इसे अपने सोल्व कर देते हैं। तो -6 + 3 ये हो गया आपके पास -3, यहाँ पर पुट कर देंगे। अगेन देखिए प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, सो -6 - 1 ये हो गया आपके पास -7। अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -6 - 5 ये हो गया -11। ठीक है, इसी तरीके से अपने को इस सबको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए एडिशन करते जाएंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 1 + -2, ठीक है, उसके बाद 3 + -2, उसके बाद देखिए -1 + -2, -5 + -2। तो यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 1 - 2 ये हो गया -1, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 3 - 2 हो गया +1, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -1 - 2 - 3, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -5 - 2 ये हो गया -7। सिंपली यहाँ पर पुट कर देते हैं -1, 1 - 3 एंड -7। नेक्स्ट अपने बात करते हैं देखिए -1 की। तो अगेन बिल्कुल सिंपली देखिए, जैसे ही अपने ने किया यहाँ पर आपने इसको कर देते हैं 1, 3 - 1 - 5, ठीक है, तो -1 प्लस, इसमें सब में आपको -1 ऐड करना है, +-1। तो देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 1 - 1 हो गया 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। उसके बाद 3 - 1 हो गया आपके पास 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, -1 - हो गया -2, अगेन -5 एंड -1 ये हो गया -5 - 1 - 6। तो देखिए 0, 2 - 2 एंड -6। नेक्स्ट देखिए आपके पास है 0, है ना, तो यहां पर 1, 3 - 1 एंड -5, तो यहां पर प्लस करना है आपको 0। तो 0 प्लस करने पर आपके पास सिंपली वही जो नंबर है अगेन वापस रिपीट हो जाएगा। तो 1, 3 - 1 एंड -5, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आपको ऐड करना है प्लस का 2, सो +2 सब में ऐड करना है। तो 1 + 1 + 2 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3, तो 3, 5, 1 एंड -3। नेक्स्ट बात करते हैं 5 की। सिंपली इसकी जगह आपको लिखना है 5, तो 1 + 5 हो गया आपके पास 6, 3 + 5 हो गया आपके पास 8, माइनस का 1 + 5 ये हो गया आपके पास 4, -5 + 5 हो गया 0। तो देखिए 6, 8, 4 एंड 0, एंड फाइनली आपके पास बचा 7, इसे भी अपने लिख देते हैं देखिए +7 + 7 + 7 + 7 एंड +7, सो 7 + 1 = 8, 3 + 7 = 10, +7 - 1 + 6, +7 - 5 + 2, तो देखिए 8, 10, 6 एंड 2। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर देखिए अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। तो बात करें ए की, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, सबसे पहले तो हम देखते हैं पॉजिटिव टर्म्स में। देखिए अगर हम बात करें
डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ी होती है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ऐसे होता है, सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर आपके पास होता है नेगेटिव, ऐसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें, सबसे बड़ा नंबर है 219, फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर 34। अब उसके बाद अगर आप देखें कि 45 बड़ा है या -890 बड़ा है, तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन पे मैं आ गया 0 पे, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। तो ये आ गया देखिए -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3, ये आ गया -4। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब भी आप 0 से राइट साइड जाते हैं तो जो नंबर जितना दूर होता है वो उतना बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें 0 से 4, 4 और 3 का कंपेरिजन करें तो 4 ज़्यादा बड़ा होगा 3 से, लेकिन नेगेटिव साइड में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जो नंबर, देखिए सिंपली अगर आप बात करें, जो नंबर 0 के नज़दीक है, या फिर अगर अपने कंपेयर करें -4 और -3 के अंदर, ठीक है, जो नंबर राइट में होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी से अगर अपने बात देखें कि -45 तो कुछ यहाँ कहीं आएगा और 890 काफ़ी आगे जाके आएगा, है ना। तो ये जो देखिए -45 इसकी राइट में है, तो जो -890 है वो क्या होगा, छोटा होगा। सो -45 एंड देन देन -890, तो ये इसका क्या होगा, एग्जैक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। बात करें बी की, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नंबर में 678, उसके बाद में 432, उसके बाद -675 एंड -980। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर दो नंबर्स का कंपैरिजन करना है ऑन द नंबर लाइन, तो जो नंबर राइट में होगा, ठीक है, मान लीजिए 3 और 4 में अगर अपने कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 4 क्या है, 3 के राइट में है, तो 4 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है लर्न करने की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, यूज़ दिस साइंस टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। तो सबसे पहले तो अपने सॉल्व करते हैं, देखिए -8 माइनस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस, सो -8 एंड -7, और यहाँ पर बॉक्स का बॉक्स, अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, सो -8 प्लस 7, तो -8 एंड -7 ये हो गया माइनस का आपके पास 15, और यहाँ पर अगर अपने बात करें -8 एंड -7 ये हो गया आपके पास माइनस का 1। अगेन अगर मैं बात करूँ नंबर लाइन की, तो देखिए -1 तो कहीं ये आएगा और 15 जो माइनस का वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पर राइट में क्या है, -1 है, सो -1 इज ग्रेटर, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, -15 इज लेस देन -1। बात करें बी पार्ट की, तो ये देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 4 - 9 प्लस 7, और यहाँ पर फर्दर देखिए माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 8 - 10 प्लस 4, तो देखिए 4 + 7 हो गया 11, 11 - 9, और यहाँ पर देखिए 4 + 8 हो गया 12, 12 - 10, ठीक है। तो 11 - 9 होता है आपके पास 2, और 12 - 10 होता है आपके पास 2, तो यहाँ पर देखिए दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इक्वल टू है यहाँ पर आपके पास साइन आ जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, द मिड टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन अ मंथ ऑफ दिसंबर वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था आपके पास, 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, इट्स ड्रॉप्ड बाय 4 डिग्री इन नेक्स्ट 3 आवर्स, ठीक है। ड्रॉप्ड का मतलब क्या हुआ, गिर गया, कम हो गया, है ना, ड्रॉप्ड का मतलब क्या हो गया, कम हो गया। तो वट वॉज द टेम्परेचर आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 - 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए टेम्परेचर आफ्टर 3 आवर्स, तो ये हो जाएगा 10 - 4 विच इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या 10 - 4 7 होता है, नहीं, 10 - 4 क्या होता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर डे इन चंडीगढ़ इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर वॉज रिकॉर्डेड 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए क्या है,
मॉर्निंग टेम्परेचर। ये आपके पास क्या हो गया, 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टरनून इट रोज बाय, रोज का मतलब बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा कितना, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं क्या है, तो टेम्परेचर इन आफ्टरनून, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एडिशन करने पर ये हो गया आपके पास 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5,850 मीटर्स। देखिए अब ये कहाँ से, सी लेवल से, जो सी लेवल है यहाँ से कितनी हाइट पे, 5,850 मीटर्स पे उड़ रहा है। उसके बाद देखिए, ए सबमरीन इज फ्लोटिंग एट द डेप्थ ऑफ 700 मीटर बिलो द सी लेवल, एग्जैक्टली बिलो द प्लेन इन अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए एक ऐसा टाइम हुआ जिसमें जो है यहाँ से तो प्लेन उड़ रहा है और यहाँ से सबमरीन जा रही है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, और जो आपकी सबमरीन है वो सी लेवल से कितनी नीचे है, 700 मीटर नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन, आपको बतानी है ये कंप्लीट डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने लिख लेते हैं, हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल इज 5,850 मीटर्स। उसके बाद डेप्थ की बात करें, डेप्थ ऑफ सबमरीन है ना, फ्रॉम सी लेवल इज 700 मीटर्स। तो अब आपको क्या फाइंड करनी है, कंप्लीट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज इक्वल टू 5,850 प्लस 700, इनका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करने पर देखिए आपके पास आ जाएगा 6,550 मीटर्स, एंड दिस इज योर आंसर्स। तो यहाँ पर जो कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 6,550 मीटर्स है स्टूडेंट्स। आई होप इस फिगर्स को देख के आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन अ क्विज 2 पॉजिटिव मार्क्स आर अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। 4 राउंड्स ऑफ क्विज रेशमा, मान लीजिए ये है आपकी रेशमा और ये है आपकी राधा, ठीक है। तो इनके जो है मार्क्स हैं इतने इतने मिले। सो रेशमा स्कोर्ड क्या है आपके पास, 45 प्लस 34 प्लस 40 प्लस -36। और बात करें राधा की, -42 प्लस -12 प्लस 28 एंड प्लस 38। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 45 प्लस इनटू माइनस -34 प्लस 40 एंड -36। तो आपको देखिए नेगेटिव टर्म्स को एक तरफ ऐड कर लेते हैं और पॉजिटिव को एक तरफ कर लेते हैं। 45 प्लस 40 95, माइनस माइनस का 34 एंड माइनस का 36, ये हो गया आपके पास माइनस का 70। और टोटल स्कोर ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 15, ठीक है, इसके कितने हैं, 15 स्कोर हैं। और बात करें राधा की, तो राधा की देखिए -42 प्लस इनटू माइनस -12 प्लस 28 एंड प्लस 38। तो नेगेटिव टर्म्स को एक तरफ ऐड कर लेते हैं और पॉजिटिव को एक तरफ, तो ये देखिए हो जाएगा आपके पास माइनस का 54 और ये देखिए हो जाएगा आपके पास 46 एंड 62।
सिक्स, और माइनस करने पर देखिए तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो राधा के कितने मार्क्स हैं? 12 हैं। रेशमा के कितने हैं? 15 हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हु स्कोर्ड मोर, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेशमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे रेशमा स्कोर्ड मोर मार्क्स देन राधा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सिंपली करना क्या है, आप मुझे बताना है कि कितने ज़्यादा मार्क्स आए, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि रेशमा के राधा से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी एक्सरसाइज जो है 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ए मंकी इज ट्राइंग टू क्लाइंब अ पोल मेजरिंग 15 मीटर्स। ठीक है, पोल की जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 15 मीटर्स है। ठीक है, विच इज ग्रीस्ड, मतलब उसके पास ग्रीस लगी हुई है। ही ट्राइज टू क्लाइंब 3 मीटर एंड स्लिप्स डाउन 2 मीटर एवरी टाइम। ठीक है, इन हाउ मैनी अटेम्प्ट विल मॉन्की विल बी एबल टू क्लाइंब 10 मीटर ऑफ द पोल। ठीक है, 10 मीटर कितनी टाइम में पहुंच जाएगा, ठीक है, कितने जंप्स में पहुंच जाएगा। तो अगर अपने बात करें, ही क्लाइंब्स इन अ जंप, कितना क्लाइंब करता है, 3 मीटर। उसके बाद स्लिप डाउन, कितना स्लिप होता है, 2 मीटर। ठीक है, तो टोटल क्लाइंब इन अ जंप, एक जंप में कितना क्लाइंब कर पा रहा है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तो प्लस माइनस 2, मतलब 3 तो ऊपर जाता है और 2 माइनस नीचे आ जाता है, सो 1 मीटर। तो एक जंप के अंदर सिर्फ वो 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आपसे पूछ रहा है 10 मीटर्स कितने में पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर एक जंप के अंदर 1 मीटर जा रहा है तो 7 जंप्स में कितना जाएगा। ठीक है, सो ही विल क्लाइंब 7 मीटर्स इन 7 जंप, है ना। तो 7 मीटर तो ये उसने क्या किया, 7 जंप में कर लिया। उसके बाद में देखिए, जब एक और जंप इन 8th जंप ही विल क्लाइंब 10 मीटर ऑफ द पोल। ठीक है, मतलब जैसे ही वो 8th जंप लेगा तो सीधा वो 3 मीटर जंप करेगा, और वो 10 मीटर पे, मतलब 7 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, 10 मीटर्स पे वो पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आई होप 1.1 के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो अपने बात करते हैं 1.2 के। तो देखिए, बेसिक्स में कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बेसिक दिए हैं, आप वो बेसिक जरूर देखें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज दिस। ठीक है, वो जो इंटीजर जिनका सम ये है। अब ऐसे देखिए, मल्टीपल हो सकते हैं, इनफाइनेट हो सकते हैं, आप कितने मर्जी नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल तो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। -9 एंड 0, इनका अगर आप एडिशन करेंगे तो देखिए -9 प्लस 0, आंसर -9। बात करें -6 एंड -3, इनका जब आप सम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, -6 एंड -3 -9। उसके बाद -8 एंड -1, ये भी आपके पास क्या आएगा, -9। तो आप मल्टीपल यहाँ पर नंबर्स आप लिख सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस इज -18, मतलब वो नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या हो, -18। तो फर्स्ट पेयर तो की अगर मैं बात करूं तो -3 एंड 15। सेकंड पेयर, अब इस डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, तो -3 -15। तो यहाँ पर देखिए, दोनों दोनों माइनस है तो एडिशन कर देंगे तो -18 इज आंसर। नेक्स्ट पेयर की बात करें तो -2
एंड 16, माइनस वन एंड 17, ठीक है। तो ये भी इन्फाइनेट आपके पेयर्स हो सकते हैं। बात करें सी की, सम इज माइनस वन, अगेन सम माइनस वन है तो देखिए माइनस वन एंड जीरो, ठीक है, जैसे कि आपने ए में किया। सेकंड की बात करें तो थ्री एंड माइनस फोर, अगर इनका सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। फोर एंड माइनस फाइव, तो ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पर हमारे पास हो सकते हैं। देखिए सिर्फ आपका क्वेश्चंस के अंदर टेस्ट करता है आपका कॉन्सेप्ट, कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करें टू की, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -15। एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिनका सम आपके पास -15 हो। तो जैसे कि हमने 18 के अंदर किया था, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर नेगेटिव इंटीजर मैं लेता हूं इज -18 और पॉजिटिव मैंने लिया, तो आप बताइए पॉजिटिव इंटीजर मुझे क्या लेना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में आवाज आ रही है 3, देन यू आर करेक्ट। अगर इनका मैं सम करूंगा, -18 +3, तो ये हो गया -15 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये जो आपका पेयर है -18 एंड 3 इज द पेयर। क्या इसके अलावा मैं कोई और पेयर ले सकता हूँ? यस, अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की, ठीक है, सीधा एनर्जी लिख देता हूँ। मान लीजिए नेगेटिव है -19 और जो पॉजिटिव है वो मैंने ले लिया 4, ठीक है, तो भी आपके पास क्या आएगा, -15 ही आएगा। तो आपके लिए टास्क है कमेंट बॉक्स के अंदर एक और पेयर आपको लिखना है, वो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का, जिनका सम आपके पास -15 आएगा। अगर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ गया तो मैं समझूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है इसके रिलेटेड क्लियर है। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 11। यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या है, 11 है। तो मैं बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव इंटीजर मैंने लिया -1 और पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें ये आपके पास हो गया 10। और इनका अगर अपने बात करें डिफरेंस की, तो 10 माइनस -1, तो माइनस इन टू माइनस होता है आपके पास प्लस, तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ऐसा ले सकते हैं। अगेन अगर मैं एक और पेयर की बात करूं, तो आप नेगेटिव ले सकते हैं -2 और पॉजिटिव जो है वो आप ले सकते हैं 9। तो देखिए 9 - 2 - 2, तो माइनस इन टू माइनस हो गया प्लस, तो 9 + 2 हो गया आपके पास 11। तो ऐसा ही एक पेयर और आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्विज टीम ए, तो टीम ए की बात करूं, ठीक है, स्कोर दिस एंड टीम बी स्कोर दी, तो टीम ए स्कोर 20 + -10 + 34, तो प्लस इनटू माइनस माइनस, तो 20 - 10 + 34। तो पहले एडिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो ये हो गया आपके पास 54 - 10 और आपके पास आ गया टीम ए स्कोर 44, ठीक है। बात करें टीम बी की, तो -10 + 20 + 34, ठीक है, तो -10 + 54 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 54 - 10 44, तो दोनों ने क्या किया है, इक्वल स्कोर किया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बोथ टीम्स स्कोर द सेम, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर एक और रिप्लाई लिखना है, कि ये जो अगर अपने बात कर रहे हैं, ये फॉलो जो कर रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर है, आपकी कम्यूटेटिविटी है या फिर एसोसिएटिविटी है, ठीक है। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। आई होप एक्सरसाइज 1.2 के सभी डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हैं। तो देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन
आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से देखिए, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं फ्रीली, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × 7, तो आपको अगर 12 का टेबल आता है तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं 84, एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, दोनों की दोनों टर्म्स क्या थी, प्लस थी, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है आपके पास, प्लस आंसर आता है। तो बी की बात करें तो क्या है, -8 × 8, तो यहाँ पर एक है माइनस एक है प्लस, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो आंसर आपके पास माइनस का आएगा। 8 × 8 होता है आपके पास 64, सो -64 इज योर आंसर। बात करें सी की, 9 × -11, तो प्लस इंटू माइनस अगेन, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है, आएगा माइनस, तो -9 × 11, 99 इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस देखिए -6 × -5, तो माइनस इंटू माइनस तो हो जाता है प्लस, 6 × 5 हो जाता है 30। और देखिए जीरो है, आपने मैथ का जो भी सुना होगा, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है, यहाँ पर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए 2 × 3 होता है आपके पास 6, 6 × -8, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 × 8 = 48, सो -48 इज योर आंसर। बात करते हैं बी पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, 5 × 7, 35 × -4, अगेन माइनस इंटू माइनस हो गया तो आपके पास आंसर आएगा प्लस का, 35 × 4 होता है आपके पास 140, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करते हैं सी पार्ट की, तो देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया आपके पास प्लस, 6 × 7, 42 × -9, अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर देखिए -42 × 9 करना है, 9 × 2 = 18, कैरी 1, 9 × 4 = 36 + 1, 37, सो 378 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगेन देखिए, अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर आपकी आंखें खुल गई देख के कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में जीरो है, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में जीरो, कंप्लीट टर्म में जीरो, कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जीरो इज योर आंसर, ठीक है। कहीं आप बैठो 11, 21, इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में जीरो से मल्टीप्लाई करने की बढ़िया, पहले ही जीरो से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें ई पार्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 5 = 10 × देखिए यहाँ पर भी अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 10 = 40, ठीक है, अगेन दोनों के दोनों टर्म्स प्लस के हैं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 10 × 40 = 400 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, सिंप्लीफाई द यूजिंग द सूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी यूज होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट a × b + c इज इक्वल टू a × b + a × c होता है, तो आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी -3 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर देखिए 5 + 3, तो 5 + 3 होता है आपके पास 8, प्लस का 8 माइनस का 3 माइनस का 24 इज योर आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बी पार्ट की, अगेन यहां पर भी आपकी यूज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यहां पर देखिए 7 × -13 प्लस -10, तो यहां पर देखिए 7 × -13 - 10, दोनों के दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 7 × -23, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 23 × 7,
21 कैरी 2, 7 2 जब 14 प्लस 2 16, 161 इज योर आंसर। और आंसर क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है स्टूडेंट्स। बात करते हैं सी पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए जो ए है वही माइनस फोर है, तो माइनस फोर इंटू माइनस टेन प्लस फाइव, सो माइनस फोर इंटू ये वो देखिए आपके पास हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, फोर इंटू फाइव 20 इज योर आंसर फॉर ऑप्शन सी स्टूडेंट्स। तो देखिए इतनी देर से जो आपने क्वेश्चन करे थे, जो लास्ट क्वेश्चन किए थे, दैट वाज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और जो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहां से देखिए क्या होगा, आपका जो ए होगा उसके अंदर माइनस 12, तो माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 माइनस माइनस 3, ठीक है। तो यहां से देखिए माइनस 12 इंटू माइनस 7 माइनस इंटू माइनस हो गया यहां पर प्लस 3, ठीक है। माइनस का 7 प्लस का 3 आपके पास जो है आ गया माइनस का 4, एंड माइनस इंटू माइनस होता है आपके पास प्लस, 12 इंटू 4 होता है 48, एंड 48 इज योर आंसर फॉर पार्ट डी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने फाइनली बात करते हैं ई पार्ट की, तो यहां पर देखिए अगेन जो 16 है वो आपका ए पार्ट हो जाएगा, दैट इज अ कॉमन पार्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर। तो यहां पर देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 68 प्लस माइनस 32, तो यहां से सिंपली माइनस 68 माइनस 32। तो यहां पे देखिए जब भी एडिशन होता है तो हम क्या करते हैं, आपको इनको जो दोनों के दोनों जो साइंस होते हैं सेम होते हैं, तो हम उनका क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो 16 इंटू 68 प्लस 32 ये हो जाता है आपके पास 100, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 100, ठीक है। अगेन देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस 16 इंटू 100, 1600 इज योर आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है यहाँ पर जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए हैं कि आखिर ये जो क्वेश्चंस हैं क्या, ठीक है। तो चलिए अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 5 मार्क्स वर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते जाते हैं फॉर करेक्ट आंसर दे गेट 5 मार्क्स पॉजिटिव, मतलब ऐड हो रहे हैं, एंड 2 मार्क्स वर डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, फॉर ईच इनकरेक्ट। तो इनको कितने डिडक्ट हो रहे हैं, माइनस 2, ठीक है। नो मार्क्स आर गिवन फॉर द क्वेश्चन विच आर नॉट अटेम्प्टेड, तो नॉट अटेम्प्टेड के लिए जीरो मार्क्स, ठीक है। तो अब अपने ये तो हो गया अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो अपने क्वेश्चन में से पढ़ा। अब आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए की। निशी अपेयर्ड इन एग्जामिनेशन एंड अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है। तो यहां पर अगर अपने बात करें स्कोर की, बात की ना स्कोर ऑफ निशी, तो देखिए 12 जो मार्क्स हैं उसको 12 क्वेश्चन के, तो उसको मिले कितने, 5 मार्क्स, दैट इज अ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड 5 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, और जो 5 क्वेश्चंस हैं वो किए उसने इनकरेक्ट, मतलब 5 इंटू माइनस 2, एंड 3 अनअटेम्प्ट, मतलब 3 इंटू 0, ठीक है। अब अपनी इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर देते हैं। 12 इंटू, अब देखिए याद रखना आपको बोर्ड मास का, सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास 12 इंटू 5 60 प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 10, और 3 इंटू 0 हो जाएगा आपके पास 0, तो प्लस माइनस माइनस, तो 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। तो निशी के कितने मार्क्स आए, 50 मार्क्स, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स फॉर पार्ट ए। बात करते हैं पार्ट बी की।
तो बी पार्ट में देखिए, रोहन अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चंस करेक्टली, 9 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं स्कोर ऑफ रोहन। तो स्कोर ऑफ रोहन देखिए, 7 क्वेश्चंस करेक्ट, इट मींस 7 × 5 प्लस इनकरेक्ट कितने, 9। तो 9 × -2 प्लस 4 अनअटेम्प्टेड, 4 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, मतलब 4 × 0। तो यहां से देखिए 7 × 5 = 35 प्लस 9 × 2 ये हो जाएगा -18 प्लस 0। तो देखिए ये हो जाएगा 35 - 18। तो यहां पर माइनस करने पर जो आपके पास आंसर आएगा 17 मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर रोहन के कितने मार्क्स आए, 17, और जो निशी हैं उसके कितने मार्क्स आए हैं आपके पास, 50। एंड दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 4। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो यहां पर देखिए, एक कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ठीक है, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹52 पर यूनिट ऑन ए। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रॉफिट पर यूनिट ऑन ए कितना आ रहा है, ₹52। और बात करें लॉस की, लॉस ऑफ पर यूनिट ऑन बी विच इज ₹10, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -10। तो यहां पर क्या बोल रहा है, इफ द कंपनी सेल्स 3600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। तो यहां पर बात करें प्रॉफिट ऑन ए, तो ये आपके पास हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 52। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, सबसे पहले इसको, तो सिंपली देखिए 0 0 तो ₹1,87,200 ये आपके पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और बात करें लॉस की, तो 4,000 प्रोडक्ट जो है वो कौन से बिक रहे हैं, बी, तो बी पे हमारा हो रहा है लॉस, तो लॉस ऑन बी, तो ये हो जाएगा देखिए 4,000 × 10। तो आपके पास कितना लॉस हो रहा है, 40,000 का हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी ड्यू टू ऑन द सेल्स। अब यहां पर आप सिंपली देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है प्रॉफिट की बहुत ज्यादा है लॉस से, तो यहां पर हमें हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट ये आपके पास देखिए 1,87,200 -40,000, तो ये आपके पास आ गया ₹1,47,200 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा देखें, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप जो वीडियो को है उसके कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछिए। और उसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए जो मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ का आपको लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जो अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपने बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। तो अपने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन किया था, तो अब इसके अंदर अपने करने वाले हैं डिविजन। तो देखिए डिवाइड द फॉलोइंग्स अप। तो आपको सबसे पहले डिवीजन के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर अपने बात करें 20, देखिए 4 × 5 की,
तो ये आपके पास क्या होता है 20। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं 20 डिवाइड बाय 5 ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, एंड 20 डिवाइड बाय 4 आपके पास क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने बात करते हैं साइंस की। तो साइन जो है आपको सिंपली पहले डिवाइड कर देना है और साइन अकॉर्डिंगली अपने को चेंज करना है। जैसे कि अपने क्वेश्चन में बात करते हैं, डिवाइड करना है आपको 75 डिवाइड बाय -5। तो डिवाइड करने पर सब देखिए सिंगल साइन है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो आपका जो क्वेश्चन है जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो सिंपली मैं 75 में डिवाइड कर देता हूँ 5 का, 5 1 5, माइनस करने पर 2, ऊपर से आया 5 5 5 25। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आया 15, और माइनस का साइन लगा देंगे एंड -15 इज आंसर। बात करते हैं बी की। तो यहाँ पर देखिए 36 -36 डिवाइडेड बाय -12, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 36 डिवाइड बाय 12। तो 12 थ्री जा होता है 36, तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 3। और बात करते हैं 0 डिवाइडेड बाय -8, 0 में किसी भी नंबर का आप डिवाइड करें आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये मैंने आपको बेसिक्स में समझाया था। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है, देखिए 45 डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू -5 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 45 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से -5 आ जाएगा डिवाइड में, सो 45 डिवाइड बाय -5 इज इक्वल टू x। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 9, साइन रह जाएगा माइनस का, सो -9 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बी की। अगेन मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, सो एक्स बाय -12 इज इक्वल टू 5। यहाँ से अपने कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू -12, तो एक्स इज इक्वल टू -60 इज योर आंसर स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, आपके पास माइनस होता है। बात करते हैं देखिए सी पार्ट की। तो यहाँ पर देखिए 23 में आप किस चीज़ का, देखिए अगर मैं बात करूँ सिर्फ वन की, जैसे कि अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब मैं -11 से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सिंपली वन आ जाएगा। और इसी के ऑपोजिट यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है -1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नेगेटिव इनवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब -23 से डिवाइड करने पर आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए बात करें, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करने पर आपके 0 आता है, ये दिस इज ट्रू। बात करें किसी भी नंबर में अगर 0 का डिवाइड करते हैं, दैट इज अनडिफाइंड, फॉल्स। ठीक है, बात करते हैं सी की। 0 में भी 0 का डिवाइड करेंगे, ये भी अनडिफाइंड होता है, ये भी क्या होता है, फॉल्स होता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। शिवानी पैकिंग बुक्स इन टू अ बॉक्स। ठीक है, क्या कर रही है, बुक्स को बॉक्स के अंदर पैक कर रही है। ईच बुक्स वे 250 ग्राम्स। ठीक है, ईच बुक्स का वेट कितना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेट ऑफ ईच बुक इज 250 ग्राम्स। द टोटल वेट ऑफ द पैकेज, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं टोटल वेट ऑफ द पैकेज। तो टोटल वेट ऑफ द पैकेज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको गिवन है 7 kg। इस किलोग्राम्स को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो 7 × 1000 इज इक्वल टू 7000 ग्राम्स। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें यूनिट सेम रखनी होती है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ बुक्स इन द पैक। तो यहां पर नंबर ऑफ बुक्स इन द पैक क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 7000 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, तो हम यहां पर कर देते हैं सिंपली डिवाइड डिवाइड बाय 250। तो यहां पर देखिए 250 टू जा 500, थ्री जा करेंगे तो 750 हो जाएगा, ये हो गया 500। माइनस करने पर यहाँ पर आया आपके पास 200, ऊपर से आ गया 0, और 8 टाइम्स जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 28 बुक स्टूडेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए टैंकर कंटेन्स 540 लीटर ऑफ अ वाटर, ठीक है, कितना 540 लीटर्स। ड्यू टू ए स्मॉल होल इन अ टैंकर द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 लीटर्स पर आवर, ठीक है, तो क्वांटिटी डिक्रीजिंग पर आवर कितनी 9 लीटर पर आवर डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, एम्प्टी टू एम्प्टी टैंकर इट विल टेक कितना टाइम लगेगा 540 डिवाइड बाय 9, तो यहां पर डिवाइड कर देते हैं, देखिए 96 जा क्या होता है 54, तो यहां पर आ जाएगा आपका 60, 0 यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 60 आवर्स। एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अ सबमरीन लेफ्ट द सरफेस ऑफ अ वाटर एट द रेट ऑफ -5 फीट पर सेकेंड, ठीक है, ये सरफेस है, यहां से नीचे की तरफ कैसे जा रही है -5 फीट पर सेकेंड, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ सबमरीन क्या है -5 फीट पर सेकेंड, ठीक है, उसके बाद एट द रेट हाउ मेनी लॉन्ग वुड टेक टू सबमरीन रीच एट 160 फीट लेवल, ठीक है, टू रीच -160 फीट लेवल सबमरीन टेक क्या करेंगे -160 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 160 में हम डिवाइड कर देते हैं, 5 3 जा 15, माइनस करने पर 1, ऊपर से आ 0, 5 2 जा 10 एंड 32 इज द आंसर स्टूडेंट्स, तो 32 सेकंड्स में जो है आपकी सबमरीन है 160 फीट नीचे चली जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है अपने फाइनली एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स वाज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3 मार्क्स, उसके बाद डिडक्शन ऑफ मार्क्स 4 रॉन्ग कितने 2 मार्क्स, ठीक है, और जो अटेम्प्ट नहीं हो रहा फॉर नॉट अटेम्प्टिंग दे आर गेटिंग 0 मार्क्स, ठीक है, उसके बाद क्या उपासना स्कोर 20 मार्क्स, तो उपासना ने कितने स्कोर किए, उपासना स्कोर्ड कितने 20 मार्क्स, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं इफ शी हैज गोट 8 करेक्ट आंसर, ठीक है, सो नंबर या फिर मार्क्स लिख देते हैं, मार्क्स गेन्ड बाय करेक्ट आंसर्स, ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 8 मार्क्स थे हर के लिए कितना 3, तो 8 × 3 = 24 मार्क्स, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो यहां पर हम बात करते हैं मार्क्स लूज बाय इनकरेक्ट आंसर,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 माइनस 20, इट मीन्स 4 मार्क्स। तो यहां पर बात करते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस की, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्यों, क्यों 4 तो टोटल मार्क्स हैं और डिवाइड कितना किया, क्योंकि हर क्वेश्चन मार्क्स के लिए कितने मिल रहे हैं, 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 होता है 2, एंड 2 क्वेश्चंस आर रॉन्ग। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 4.1.4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपने जो है करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। तो स्टूडेंट्स चलिए अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5, जो कि आपकी चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद में अपने जो वीडियो है सम अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको जो यहाँ पर रूल दिया उसको यूज़ करना है, वो क्या होता है, बोर्ड मास। ठीक है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना, हमें जो सॉल्व करना है वो करना है ब्रैकेट। और अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 करने पर आपके पास हो जाएगा 6। सो -25 + 12, देखिए जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसको, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उन्हें हमने सिंपली छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर देखिए एडिशन का साइन है और यहाँ पर आपके पास डिवाइड का साइन है, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो 12 में जब 6 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2। सो 25 + 2, तो -25 + 2 आपके पास आंसर आ जाएगा -23। बात करते हैं बी पार्ट की। देखिए अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स के अंदर भी सबसे पहले सोल्व करना होता है विनिकुलम, उसके बाद ब्रैकेट सिंपल, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं, और उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर देखिए इस ब्रैकेट को मैं अलग से लिखूँ तो ये आपको दिख रहा है 6 - 3। ठीक है, अब यहां पर भी इस ब्रैकेट के अंदर भी अगर आप देखें तो एक है आपके पास सब्ट्रैक्शन का साइन, एक है आपका डिवीजन का साइन। तो सबसे पहले आप सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवीजन, हम करेंगे यहां पर डिवीजन। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास देखिए डिवीजन आपका क्या आता है, पहले आता है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली जब मैं 9 में डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो बाकी जो जितने भी टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। जब तक आपके ब्रैकेट सोल्व हो रहे हैं आपको अदर जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज लिखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो 6 माइनस, जब आप 9 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 डिवाइड बाय 3 होता है 3, एंड डिवाइडेड बाय 3, कर्ली ब्रेसेस एंड लॉन्ग ब्रेसेस बोल लीजिए या फिर स्क्वायर ब्रेसेस बोल लीजिए। तो 29 - 38 - 40 डिवाइड बाय 2 माइनस। ठीक है, अब यहां पर देखिए माइनस का साइन है, तो 6 - 3 क्या होता है आपके पास, 3 डिवाइडेड बाय 3, एंड कर्ली ब्रेसेस लॉन्ग ब्रेसेस। तो यहां पर देखिए 29 - 38 - अब यहां पर देखिए माइनस है और डिवाइड का साइन है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 40 डिवाइड बाय 2 होता है आपके पास 20, -3 डिवाइडेड बाय 3 होता है आपके पास 1। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रेसेस को सोल्व करेंगे तो 20 - 1 19। सो 29 - 38 - यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 19। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंपली 38 - 19 अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 19। सो 29 - 19, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 10 आ गया। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे अगर आप, कि कैसे डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो अगर आप पहले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर भी आपको देखना है कि वहां पर सब्ट्रैक्शन का साइन है या फिर डिवीजन का साइन है, तो हम पहले किसको लें। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं सी पार्ट की। ठीक है, तो सी पार्ट में अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये विनिकुलम साइन,
ये किसको शो करता है? विनिकुलम को। तो पहले हम कर देते हैं विनिकुलम, मतलब इनका एडिशन कर देते हैं। तो 2 + 3 हो गया आपके पास 5, तो 14, 1/2, करली ब्रेसेस, 13 + 2 माइनस, तो यहाँ पर देखिए 7 + 5 एंड -5, करली ब्रेसेस। अब इस शॉर्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो +5 से -5 कैंसिल हो गया, 7 आपका 12 आ जाएगा, तो 14 - 1/2, करली ब्रेसेस, 13 + 2 -7। अब यहाँ पर देखिए आपको अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले करना है एडिशन। सो 13 + 2 होता है आपके पास 15, तो 14 1/2, करली ब्रेसेस, 15 - 7, तो 15 - 7 आपके पास होता है 8, तो 14 - 1/2 ऑफ 8। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक तो ये मल्टीप्लाई भी है ऑफ भी है, तो पहले हम इसको करेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फाइनली 14 - 4 विच इज अगेन 10 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पार्ट डी की। तो देखिए क्या है, 27 - 1/4, करली ब्रेसेस, -5, -48 डिवाइडेड बाय -16। तो देखिए अब इस एक्सरसाइज 1.5 में हम क्या कर रहे हैं, हमने एडिशन सीखा, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, हमने डिवीजन सीखा। अब उन सब का जो यूज है हम करेंगे इन इक्वेशंस में बाय यूजिंग बोर्ड मास। ठीक है, तो यहां पर देखिए 27 - 1/4 -5 माइनस, तो देखिए माइनस का 48, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 3 जा क्या होता है 48, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया 3। तो अब यहां पर देखिए माइनस का 5 और माइनस का 3 हो जाएगा आपके पास माइनस का 8, 27 - 1/4 इंटू -8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा यहां पर आ जाएगा माइनस का 2, तो -2 - ये हो जाएगा प्लस का 2, तो 27 + 2 इज इक्वल टू 27 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो देखिए 27 + 2 ये हो जाएगा आपके पास 29 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो देखिए कुछ बुक्स के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो डी पार्ट में है, कईयों में ई पार्ट में है, तो अपने ई पार्ट में जो है मेरी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, चलो इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो 14 + 1/5, सबसे पहले विनिकुलम सोल्व करेंगे, मतलब 13 - 3 क्या होता है 10, तो देखिए -10 मल्टीप्लाई बाय 25 - 10। देखिए उसके अलावा जितने भी टर्म्स हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 14 + 1/5 और देखिए -10 मल्टीप्लाई बाय 25 - 10 होता है आपके पास 15। ठीक है, डिवाइडेड बाय -5, देखिए 14 + 1/5 एंड देखिए -10 × 15 ये हो जाएगा आपके पास -150 डिवाइडेड बाय -5। तो देखिए माइनस से माइनस हो गया आपका कैंसल, जब 15 से डिवाइड करेंगे वो सॉरी 150 से 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, मतलब 30 टाइम्स, तो 14 + 1/5 × 30। अगेन देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, 5 1 जा 5, 5 6 जा आपके पास क्या होता है 30, 14 + 6 हो गया 20 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। अब ये तो हो गया इसका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखिए, यूजिंग द अप्रोप्रिएट ब्रैकेट्स राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले वो क्या गिवन है 63। ठीक है, सबसे पहले अपने लिखते हैं 63 डिवाइडेड बाय 1 more than sum of 3 and 5। ठीक है, तो इससे अपने क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, 1 more than मतलब एडिशन 3
थ्री एंड फाइव मतलब थ्री प्लस फाइव एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बी पार्ट की। थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू लेस देन, सबसे पहले थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए थ्री मल्टीप्लाई बाय टू लेस देन द डिफरेंस ऑफ 16 एंड 4, मतलब 16 एंड 4 के डिफरेंस में से भी 2 कम करना है ना। तो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ 16 एंड 4 माइनस 2 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात सी की करते हैं, 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 1/3 ऑफ सम ऑफ 60 एंड 30। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम करते हैं 1/3 ऑफ 60 एंड 30। ठीक है, इनका क्या है सम है, मतलब 60 प्लस 30 का 1/3, उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 18 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट डी की बात करते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 2 एंड 3। तो सबसे पहले अपने बात करें, 80 को हमने डिवाइड किया है, तो 80 डिवाइडेड बाय मतलब डिवाइड का साइन। अब यहां पर क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3, टू सम ऑफ 2 एंड 3 मतलब 2 प्लस 3। एंड फाइनली बात करें ई की, 9 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंपली 9 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 4 एंड 5। तो इसी के साथ स्टूडेंट जो है आपकी एक्सरसाइज जो है 1.5 कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपके चैप्टर 1 के अंदर कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहने वाला। इसमें मैंने आपको कंप्लीट बेसिक समझाया है, कंप्लीट एक्सरसाइज और एक एक क्वेश्चन जो है अपने ने अब ब्रीफ में किया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।